हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देखिए, शुरुआत में ही हमें बहुत सारे रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गए हैं, तो हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। और ये क्या, और 30 डायमंड्स हमें और मिल चुके हैं, और हमारे क्लैन पर अटैक भी हुआ है। तो पहले अटैक को चेक कर लेते हैं। तो खुशी की बात यही है कि इस क्लैन में जब अटैकर ने अटैक किया तो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। इट मीन्स हमें अगर हम इस वाली क्लैन के लेआउट पर थोड़ा वर्क करेंगे तो हमारा क्लैन बहुत अच्छा मजबूत रहेगा। यानी कोई अटैक करेगा तो हमें इजीली डिफेंड नहीं मिलेगा। और आप फ्रेंड्स देखिए कि कैसे हमने ज़्यादा डिफेंड नहीं लिया, यानी ज़्यादा डैमेज नहीं दिया। गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए एक नई गेम वीडियो लाए, गेम प्ले वीडियो लाए, तो आपको जल्द से जल्द पता चले। और गाइस, आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो जाएं देखें, दूसरे वीडियोज़ भी हमने अपलोड किए हैं, इसके ज़्यादा इसके पहले भी पार्ट्स बहुत आए हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट आप यही वीडियो देख रहे हो तो जाइए, दूसरे वीडियोज़ भी हैं, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइस। और बहुत सारे गेम प्लेस हमने अपलोड किए हैं हमारे चैनल पर, और फ्री फायर के शॉर्ट्स भी हम डालते हैं, अपलोड करते हैं। तो गाइस देखिए, जाइए, इन्जॉय कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमें लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो देखिए गाइस, ये था कुछ अटैकर का अटैक, और बट उसने जितना अटैक किया था उतना अटैक नहीं किया। बट इसने जो अभी स्पेल्स फेंके गाइस, वो बहुत ऑकवर्ड था, बट चलता है गाइस। हमें ज़्यादा डैमेज नहीं मिला, सिर्फ 11 हमारा माइनस हुआ है लेवल। तो अब हमारे गोल्ड कॉइन्स और एक्सलर कलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए गाइस, हमारा गोल्ड स्टोरेज वो है बढ़ चुका है, यानी हमारी लिमिट बढ़ चुकी है, तो हम ले सकते हैं ज़्यादा। तो फ़िलहाल हम ले लेते हैं हमारी आर्मी, जो हमने ले ली है आर्मी, हमारे ट्रूप्स को हमने रेडी किया हुआ है, और हम एक्स्ट्रा ट्रूप्स को भी रेडी कर लेंगे, यानी बैक सपोर्ट के लिए, ताकि जब हम एक ट्रूप की टीम से फाइट करेंगे तो दूसरा पीछे से रेडी हो जाएगा गाइस। और हमारे पास जो नया सोल्जर है वो भी अनलॉक हो चुका है गाइस। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, अगर देखी हो तो आपको पता चलेगा कि हमने लास्ट वीडियो में इस सोल्जर को अनलॉक किया था, और वन डे के बाद, आफ्टर वन डे ये अनलॉक हो चुका है। और स्पेल को भी हम स्पेल फैक्ट्री को भी अपग्रेड करेंगे, और जो हमारा दूसरा स्पेल भी अनलॉक हो जाएगा। हम यहाँ से लूट ले लेते हैं और ट्रेशरी में से कुछ पैसे लेंगे, क्योंकि आज हमें ज़्यादा काम भी तो करना है ना गाइस। तो गाइस, अब हम देखते हैं, किसी को अपग्रेड तो नहीं करना है यहाँ पर, तो अभी तो किसी को अपग्रेड नहीं करना है। हमें स्पेल को अपग्रेड कर देते हैं एक बार, क्योंकि स्पेल को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी हो चुका है अभी। तो ये 8 घंटे लेगा, तो लेने दे, हमें कुछ करना नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो होता रहेगा गाइस। तब तक हम यहाँ पर हमारा दूसरा कलेक्ट कर लेंगे रिवॉर्ड, और यहाँ पर भी कलेक्ट कर लेंगे। और गाइस, यहाँ पर हमारा जेम माइन भी अपग्रेड हो चुका है, और इसे अभी अपग्रेड नहीं कर सकते हम। तो गाइस, अभी देखते हैं कि अभी और क्या अपग्रेड कर सकते हैं हम। तो अभी टाउन हॉल अपग्रेड करने के लिए हमें 4 लाख गोल्ड कॉइन चाहिए, तो अभी वो नहीं है, इसीलिए हमने गोल्ड स्टोरेज को अपग्रेड किया है। और यहाँ पर देखिए गाइस, हमारा क्लैन भी बहुत अच्छा लग रहा है, और गोल्ड स्टोरेज जो है हमारा 1/10 लेवल पर आ चुका है। अब इसे भी हमें अपग्रेड करना है, ताकि एक्सएलआर की भी क्वांटिटी बढ़ जाए, यानी वो स्पेस बढ़ जाए। अब हम ट्रेशरी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाइस अभी नहीं करेंगे, अभी हम अटैक करेंगे, कुछ पैसा जब आएगा अटैक से तो तब हम देखेंगे ट्रेशरी में से पैसे लेने। तो अभी हमारे पास दूसरे क्लैन पर हम आ जाते हैं गाइस, सॉरी दूसरे क्लैन पर चला गया था, अब नहीं, हम अटैक करेंगे, पहले रिवेंज ट्राई करेंगे किसी से, अगर रिवेंज हो सकता है तो। अभी रिवेंज हो नहीं रहा है किसी से, तो अब अटैक ही करना पड़ेगा ना गाइस। गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले गाइस। तो अभी नहीं समझ आ रहे थे क्लैंस मुझे, ये क्लैन तो पैसा बहुत कम था। यहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं गाइस, होप बहुत वो ऑकवर्ड सा भी नहीं है क्लैन ये, तो अटैक करना मैंने स्टार्ट कर दिया है गाइस। तो इजीली ये वाला लेवल, यानी ये अटैक इजी नहीं होगा गाइस, मुझे जहाँ तक लग रहा है, होप कि इजी हो जाए।
तो मैंने बलून्स को भी छोड़ दिए गाइस, क्योंकि बलून ज़्यादा डैमेज दे देगा तो हम इजीली जीत जाएंगे ये लेवल। और जीत गए हैं गाइस हम इस लेवल को। तो आ जाती है हमारी क्लैन पर और हमारे पास 5 स्टार बोनस आ चुका है, 4 लाख एक्सीलर्स एंड गोल्ड कॉइंस एंड अदर्स का। तो अब हम इंडस्ट्री कलेक्ट करेंगे गाइस, और देखिए हमारा पूरा गोल्ड कॉइंस का भर चुका है यानी फुल हो चुका है। तो अब बारी आती है अपग्रेड करने की टाउन हॉल 7 को। 6 to 7 हमें अब टाउन हॉल को अपग्रेड करने की बारी आ चुकी है। तो गाइस हम अपग्रेड पर रख देते हैं गाइस। तो यहाँ पर और कुछ चीज़ें अनलॉक होंगी जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हमने उसे अपग्रेड पर रख दिया है। टोटल 18 आवर्स का टाइम लेगा वो मे बी। और यहाँ पर इसे अपग्रेड करने के लिए हमें 12,000 यानी 12 लाख एक्सएलआर चाहिए। इसे भी अपग्रेड पर रखना है गाइस, तो अभी नहीं रखेंगे इसे, हम अभी इसे अपग्रेड पर रख देंगे। और हमारी दूसरी आर्मी भी अभी रेडी हो रही है गाइस, तब तक हम देख लेते हैं स्पेल्स को भी हमें अपग्रेड करना है। ऑलरेडी स्पेल्स हमारे हो रहे हैं गाइस। तो हमारा जब तक हमारा टाउन हॉल लेवल टाउन हॉल 6 to 7 अपग्रेड हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने अपग्रेड पर रखा है हमारे स्पेल को, जो कि अभी 5 मिनट्स ही हुए है उस पर वर्क चालू है। तो आ जाते हैं हमारे दूसरे क्लैन पर और यहाँ पर भी अटैक करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अटैक नहीं किया। अभी इस पर भी अटैक चालू करेंगे गाइस। गाइस यहाँ जहाँ पर जिस क्लैन पर हम अटैक करने वाले हैं उसका नाम कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है, व्हाट्स काइंड ऑफ नेम, बट कुछ नहीं, हमें अटैक से मतलब है और हमें जीतने से मतलब है। तो हमने हमारी आर्मी को रिलीज़ कर दिया है गाइस, होप कि ये वाला लेवल हम इजीली जीत जाएं, ये वाला अटैक सॉरी। सो गाइस हमने बिजली के तार को गिरा दिया है, यानी बिजली के तार को फर्स्ट मैच है गाइस जिसमें बिजली के तार को हमने पूरी तरीके से गिरा दिया। और होपली नहीं गाइस कैसे भी हम ये क्लैन को अटैक कर जीत जाएंगे और हमें विक्ट्री मिल जाएगी। और एक स्टार तो हमें मिल ही चुका है, हाफ ऑफ टी मैच हम जीत चुके हैं। और कस और इनका क्लैन कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ एडवांस नहीं है गाइस, मुझे लग नहीं रहा। अगर आपको हमारे क्लैंस पसंद है गाइस, अच्छे लग रहे हैं और अच्छे हैं, तो हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर बताएं। तो अभी अटैक जल्दी हो जाएगा, सिर्फ तीन ट्रूप्स हमारे इतना डैमेज दे रहे हैं और बेसिकली टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। तो अभी हो जाएगा बहुत जल्द गाइस। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो अभी हमें 20,500 का गोल्ड कॉइंस मिल चुके हैं गाइस, अभी हो चुका है गाइस। अभी हमने एक चीज़ को एक अपग्रेड पर रखा हुआ है। अभी अगर हमें आर्मी कैंप को भी यहाँ लगाना है गाइस, उसके लिए हमें गोल्ड स्टोरेज को भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा गाइस। तो अभी बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास उतना नहीं है। और इसे जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमें 39 जेम्स देने पड़ेंगे, तो हम नहीं देंगे जेम्स क्योंकि हमें उतनी ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए अब हम नहीं देंगे जेम्स। तो एक और अटैक कर लेते हैं गाइस, क्योंकि इसमें आर्मी हमें रेडी करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। तो मैंने रिलीज़ कर दिया गाइस यहाँ पर हमारे ट्रूप्स को, बट ओ नो गाइस, नो, ये जो रॉकेट्स है गाइस, रॉकेट्स वाला डिफेंडर यानी जो रॉकेट से अटैक कर रहा है गाइस, वो बहुत दबा कर अटैक कर रहा है और उसकी वजह से हमें ज़्यादा डैमेज मिल रहा है हमारे ट्रूप्स को। नो गाइस हम हार चुके गाइस, ना नहीं गए हम गाइस, हमें नहीं हार गए गाइस, हाफ ऑफ द मैच भी हम नहीं जीते, तो कोई बात नहीं। और गाइस जब तक हम अटैक कर रहे थे हमारे क्लैन पर भी अटैक हुआ है, आप देख सकते हैं हमारा गोल्ड स्टोरेज अभी यहाँ कंस्ट्रक्ट में था, यानी अभी रिसेंटली यही अटैक हुआ है। तो देखते हैं गाइस, तो इन्होंने हमारी ट्रिक ही हम पर आजमाइए गाइस। थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया है गाइस,
सो वेल गाइस, हमने इसे भी लूज़ कर दिया। अभी दूसरा अटैक भी देखते हैं गाइस। लगता है इस अटैक में हमें ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। होप गाइस, देखकर तो लग नहीं रहा है गाइस के डैमेज मिला होगा। ओ गाइस, देख रहे गाइस, अगर आपको ये वाला हमारा क्लैन का सेटअप अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि इसे चेंज किया जाए, अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। और ये हो चुका है गाइस, उसने जीता था थोड़ा मैच, हाफ ऑफ द मैच। तो अभी यहाँ पर ये अभी होने में है गाइस, 7 जेम्स देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने दे दिए है गाइस 7 जेम्स। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से कोई लूँ शील्ड, बट ये 4 दिन चली गई 100 जेम्स वाली, और दीगर थे गाइस बट नहीं चाहिए थे हमें इसमें। तो हम जरा क्लैन को थोड़ा सरका लेते हैं गाइस, थोड़ा नहीं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बस गाइस, सेफ एंड कंप्लीटेड। हमारा क्लैन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। और हमें बहुत सारी चीज़ों को भी अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर हमारी आर्मी हो चुकी है गाइस रेडी, तो हम अटैक के लिए भी ये रेडी हो चुके हैं गाइस। पहले गोब्लिन मोड में देखते हैं गाइस, गोब्लिन मोड में उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था, यानी ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो हम यहाँ पर अटैक करेंगे गाइस, मई पर अटैक करेंगे गाइस हम। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है गाइस, मुझे लग रहा है हार्ड नहीं है, बट हमारे ट्रूप्स को हम जब रिलीज़ करेंगे हमें तभी पता चलेगा। तो एंजॉय द अटैक गाइस। सो गाइस, ज़्यादा अटैक हमने बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं गाइस। अभी हम हमारे वॉल ब्रेकर्स को तोड़ते हैं गाइस, छोड़ते हैं सॉरी। होप के गाइस ये वाला जल्दी से हम जीत जाए, और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है गाइस, इजीली हम जीत जाएंगे ये लेवल, यानी अटैक हम इजीली विक्ट्री कर सकते हैं। और हमने इस अटैक को विक्ट्री ले लिया गाइस। तो हमारे पास गोल्ड एक्सेलर फुल हो चुके हैं, और हमारे पास दीगर आर्मी भी आ चुकी है गाइस, तो हम आर्मी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहले स्पेल भी तो लेने में अभी हमारे पास यही है, तो हम आर्मी को पहले कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। ये 10 लेंगे हम, और 4 ये ले लेंगे, और जैसे कि हो चुका है। अभी हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है गाइस, हमने बहुत सी चीज़ें कर ली है इस वाली वीडियो में, और हमने टाउन हॉल को भी अपग्रेड पर रख दिया है गाइस। हमें और चीज़ें अपग्रेड करनी हैं, बट हमारे पास उतने वर्कर नहीं हैं, 3 वर्कर है गाइस, वो भी होपफुली अगर 2 ही रहते तो क्या पता अभी कितने लंबा चलता था गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियोस अभी नहीं देखी है गाइस, तो जाइए उन वाली वीडियोस को वॉच कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी है, मैंने दिया है, आप जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए हमारी वीडियोस को। और तब तक के लिए बाय।